लुक्मानी आयुर्वेदा देखने वाले सभी दोस्तों को हकीम ए वासिल का सलाम पहुंचे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे जरिए बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से। मेरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपको सीक्रेट प्रॉब्लम्स के टॉपिक पर आपको गाइड करता हूं और आपको नुस्खे बताया करता हूं ताकि आप अपनी बीमारियों का इलाज अपने घर पर रहकर आसानी से करें और ऑनलाइन दवाओं के चक्कर में ना पड़ें। यह ऑनलाइन दवाएं आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से, परफेक्ट डॉक्टर, परफेक्ट हकीम और सर्टिफाइड डॉक्टर से आप मिलकर के इलाज करेंगे तो आपको इलाज करने में मज़ा आएगा। ऑनलाइन दवाइयाँ आप सारी ज़िंदगी खाते रहेंगे, आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। आज का नुस्खा उन दोस्तों के लिए हैं जिनको तनाव आता है लेकिन फ़ौरन ही टूट जाता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहीं वाजिद अली शाह की गोली खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, कभी तिला पट्टी वाला लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन फ़ायदा उनके सामने नहीं आता। क्यों? कि सारी दवाइयों में मिलावट होती है। जो दवाई होनी चाहिए वो दवाइयां नहीं होती हैं। आप अश्वगंधा, लाजवंती, सफ़ेद मूसली, ताल मखाना, काली मूसली, ये और वो इस तरह की जड़ी बूटियों में आप अपना इलाज ढूंढते हैं। दोस्तों आपको न जाने क्या क्या ऑनलाइन दवाई थमा दी जाती है। आज एक छोटा सा नुस्खा आपकी नज़र कर रहा हूं, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। जिनका तनाव टूट जाता है और शुरू करते ही, इंटर कोर्स करते ही तनाव टूट जाता है और वो बिल्कुल स्टैंड नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उस वक्त होती है जब तनाव टूट जाता है और बंदा अपना काम नहीं कर पाता और उसके घर में लड़ाई रहने लगती है, ताने मिलने लगते हैं। ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले आपको ईरानी अकरकरा लेना होगा। ये ईरानी अकरकरा है, आपके कैमरे के सामने आकर के मैं दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। एक है ईरानी अकरकरा जो मोटा अकरकरा होता है, ये मोटा अकरकरा है। एक है बारीक अकरकरा, वो आपके किसी काम का नहीं है तो उसको नहीं लेना, ईरानी अकरकरा लेना है। उसके साथ में आपको तज कलमी लेना है, तज कलमी ये भी असली लेना है, बेकार नहीं लेना है, लोकल नहीं लेना है। तीसरे नंबर पे है ये है बिस बासा, ये आपको लेनी है, जावित्री भी इसे कहते हैं, अच्छी नस्ल की, अच्छी क्वालिटी की। इसका रंग देख लीजिए आप, तो ये कोहिस्तानी बिस्बासा है, जावित्री है। आपको जो मिलने वाली है वो बहुत हल्के कलर की होगी। आप गहरे कलर की लीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। आप उससे कहिएगा कि मुझे ये वाली चाहिए। गौर से आप देखेंगे, कैमरे के बहुत करीब से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जावित्री ये वाली लेनी है, यही असली होती है। तीसरे नंबर पर आपको लेनी है ईरानी मूसली। ईरानी मूसली आप देख लीजिए गौर से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें मिलती नहीं है। जिन पंसारियों की औकात नहीं है रखने की वो नहीं रख पाएंगे, लेकिन अच्छे पंसारी हमेशा रखते हैं। बाहर के पंसारी दें या इंडिया के पंसारी दें, कैसे भी आपको लेनी है। ये चार चीजें हो गई, ईरानी अकरकरा, तजकलमी, बिस्बासा जावित्री और ईरानी मूसली। इन तमाम दवाओं की मात्रा जो है वो सिर्फ 50-50 ग्राम है, 50-50 ग्राम। आप 25-25 ग्राम भी ले सकते हैं। जब आपको 5 दिन में फायदा नजर आने लगे आप और बढ़ा दीजिए, और आपको 40 दिन आपको इस्तेमाल करना है। 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद में आपके कॉन्फिडेंस में कभी कभी नहीं आएगी, गोला बारूद जल्दी से खत्म नहीं होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एक बार होने के बाद दोबारा नहीं हो पाता, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही भरोसे का नुस्खा है। आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैं समझता हूं कि नुस्खा आपकी समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। मेरा एक दूसरा एक नया चैनल है, नया तो नहीं है, पुराना है, लेकिन उस पर वीडियोस मैंने नहीं डाली थी, अब फिर से डालनी शुरू कर रहा हूं। उसका नाम है यूनानी आयुर्वेदा। चैनल के पेज पे जाकर आपको मिल जाएगा। यूनानी आयुर्वेदा को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगेबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।